Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी सुबह के बाद जाने क्या चला टाइम हुआ है अपने मोबाइल पे? 12:40 हो गए थे हैं। ओ शिट, 12:40 हो गए हैं। फिलहाल मैं हम इसे ढोर लेने आया हूँ। हम इनको कॉल करके पूछ लिया ढोर की तरह भाई बड़ा गुड्डा उड़ाना है। हमने मेरे से ढोर छुपाई गया क्योंकि रोज मैं गुड्डे जाके ना उड़ाने शुरू हो जाऊंगा। और बाबा जी हमारे घर के पास एक नई था, उसने ना डोरे शोरे मंगवाए थे गुड्डे छुड्डे, उसको पुलिस लेके चली गई है। और अब वो थाने में कितने महीने के लिए? तकरीबन दो तीन महीने वो थाने के अंदर ही रहेगा। और कल परसों बसंत है ना, जुमेरात है ना। कल परसों बसंत है, कल रात की बसंत है, जुम्मे वाले दिन सुबह की बसंत है। तो बाबा जी ये पकड़े गए ना तो फुल मैं कहना समझ रहे हो ना, आटो फुल आटो पाटो सीन होना है बाबा जी। और नोटिस लोगों ने स्टेटस भी लगाए हैं, जो बंदा पकड़ा गया उसके घर वालों पे भी किए जाएंगे एक्शन लिए जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ सोच के ना अपने घर वालों का सोच के मैंने ये सोचा है कि मैं पतंगबाजी करूंगा भाई। एक थोड़ा सा दिन होता है बंदा थोड़ी सी गुड़िया भी ना उड़ाए, थोड़ी सी वैसे भी गुड़िया उड़ाएंगे हम। चुप कर, पतंगबाजी करेगा मैं तो बाबा जी पतंगबाजी करूंगा ही नहीं, मैं बल्कि मना करूंगा उन लोगों को जो लोग पतंगबाजी करेंगे। ये सारी पतंगे पड़ी हैं फाड़ूंगा, आज के दिन फाड़ूंगा। चल मैं फाड़ना शुरू। ओ नहीं 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 नहीं, मजाक लगा हुआ था, मजाक डोरों पे ही है। किधर अच्छा तक नहीं आना। बाकी अब हम इसे कॉल करके पूछते हैं, तलंगे शंगे डालते ऊपर गुड्डा उड़ाने वक्त आपको मैं दिखाता हूँ। डोर मिल गई है जो कि हमने छुपाई हुई थी फुल मेरे से क्योंकि मैं गुड्डे उड़ा रहा था। बाकी मामा जी कल परसों बसंत है और जो अब लड़के बसंत मनाएंगे उनके घर वालों को भी पकड़ के ले जाएंगे, माँ बाप पे उनके पर्चे दे देंगे। तो फिर आप ना बसंत ना मनाए? नहीं। आप क्या कहती हैं? नहीं मना। पापा कह रहे हैं मना लो। नहीं नहीं अब्बू का पता ही ना। वो मसले ही कौन नहीं भैन भी सीधी बसंत नहीं मनानी भाई, वो कल पता लगेगा। भावें बाबा जी पुलिस वाले देख रहे हो तो वो मेरे आके फुल पर्चा मेरे ऊपर दे दें, लेकिन कुछ नहीं होता यार, थोड़ी सी गुड्डियाँ उड़ाएंगे। ये देखो इतनी सी डोर है हमारे पास, बस इतनी सी उड़ाएंगे। अब भी बड़ा गुड्डा जाके उड़ाते हैं तब आपको दिखा दो छत पे पहुँच के। वैसे यार इतनी सी डोर पे क्या हमारे पे पर्चा होगा यार, इतनी सी डोर है, दो तीन गुड्डे बस पड़े हैं ऊपर जाके आप दिखा दो बड़ा गुड्डा उड़ाने में वक्त नहीं पर्चा देना चाहिए यार। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं स्कूल ही जा रहे हैं ना, तल्ला के स्कूल, तल्ला का बोर्ड का वो भेज रहे हैं क्या कहते हैं दाखिला। और बाबा जी दाखले की फीस भला कितनी है? 12,000 दाखले की फीस है 12,000। मैंने इसकी मामा को तल्ला की मामा को समझाया, मैंने कहा इस बंदर के मुंह वाले पे 12,000 लगाने का कोई फायदा नहीं है, इन्हें पूरे महीने पढ़ा नहीं है, 2 महीने पीछे रह गए हैं। और साइंस के 6 चैप्टर हैं, इंग्लिश की पूरी बुक है, आर्ट्स की पूरी बुक है, जियोग्राफी की पूरी बुक है, तो तू क्या टट्टी मेरी करेगा 2 महीनों में है? मुझे 4 महीने हो गया, मेरा थोड़ा सा बिल्कुल रह गया काम, तो तू भैन जी 2 महीनों में मेरी टट्टी करेगा? टट्टी है मेरा ना, पिछले साल 2 महीने जाया करेगा तेरी मामा। मैं तो तेरी मामा को समझाया तू पैसे जाया कर रहे हैं इस पे, रोड़ रहे हैं पैसे। बाकी अब ये दाखले के लिए भेजने हैं पैसे यहाँ पे स्कूल में, मैं वो बाद में दिखाता हूँ। की बात वगैरह करके आ चुके और तल्ला अभी दाखला नहीं फिर भेज रहा, टेंशन को नहीं हो? हाँ टेंशन नहीं है क्योंकि सर ने कहा कि एक 2 महीने बाद ना दोबारा दाखले जाएंगे सप्ली के, तो तब तुम्हारे भेज दूंगा। बाकी ये भी गुड्डा तलंगे शलंगे डालने लगे हैं वो, आप बिल्कुल ऐसे सिंगल तलंगे डालनी है? अच्छा सही है, डबल तलंगे डालनी है हवा बिल्कुल यस है। उड़ाने वक्त आपको दिखा दो तलंगे शलंगे सारे को डाल जी। फिलहाल तलंगे शलंगे डाल के हवा चेक करो, ये आपको इनसे अंदाजा हो जाना चाहिए कि हवा फुल यस है। पिन उधर लेके चलते हैं, हवा ये रहा इस साइड की, उस साइड की वैसे इस साइड की हवा है। ये चेयर को साइड पे ले जाओ भाई, उड़ाने का टाइम आ गया। चला भाई ये रहा तल्ला जल्दी कर, वो ये देख नहीं रहा तू कपड़े देख के नहीं, तू अंदाजा आ रहा वो। चलो तल्ला भाई फाइनली पिना लेके आऊ, रुक जा पिना लेके चलते हैं उधर, और आप उड़ाएंगे बड़ा गुड्डा। चलो जी तल्ला भाई देने के बाद फाइनली हमारा गुड्डा उड़ चुका है, एक जगह रख के थंबनेल वास्ते फोटो खींचनी है हमारे। हाय 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 कौन नहीं करना खा रहा यार, भारी बहुत तल्ला कह रहा है।
ये चेक करो जी, ये जिगर आ लेगा यार। सामने वास्ते फोटो बनानी है। ओ भाई आहा आहा, वेरी गुड है यार। और कल बसंत है रात की नहीं, मैं कौन लगवा रहा भाई, पैसे नहीं है, तू लगवाई ठीक है। चेक करो जी, अब ये मैं भी उड़ाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप जब मैं उड़ाने लगूंगा तब। उड़ा यहाँ तक पहुंच चुके हमारा, ये ले यार ले लिया है, अब पैर उठा के साइड पे हो जा, डोर ना साहब बड़ी मुश्किल ना सी चढ़ाई दे, क्या दूं बुड्ढा नहीं दे, बहुत भारी है, तला मुझे पकड़ा, वीडियो बना सा सर मेरी, तेरा वीडियो बना लेगा गुड्डा तक, कितना वाद गया यार, गुड्डा सही वाद गया, लेकिन हम आपको मैं जब खुद उड़ा रहा तो तब दिखा दो यार, कुत्ता पता नहीं जवाब देगा, बहुत हैवी रहा, बहुत भारी गुड्डा है, कल मैं तला का मोबाइल से व्लॉग बना रहा हूँ जो की 12 प्रो, और ये चेक करो जी, ये हमारा गुड्डा फुल वधा हुआ है, फुल हैवी, चेक करो। और ये तला साहब हैं, और ये मैं हूँ, और वो हमारा गुड्डा है, और यहाँ पौड़ी हो रही है टेंट, और ये बड़ा फिट गुड्डा यार, उम्मीद नहीं थी मैं कि इतना फिट उड़ेगा, हल्का हल्का बिल्कुल मामूली सा करना खाता है, मतलब पत्ता भी नहीं लगता इतना, बिल्कुल हल्का सा करना खाता है, टूटिया क्यों है आ आ। बाकी अब ये बस गुड्डा उतारते हैं थोड़ी देर में, मैंने खाना शाना खाना, बहन भाई को लेने जाना है, बस हमारा मिशन पास हो गया गुड्डा उड़ाने का, अब आपको बाद में दिखाता हूँ यार। फिलहाल मैं गुड्डे छुट्टी उड़ा के नीचे आ गया, अपने बहन भाइयों को भी स्कूल के लेके आ गया हूँ, फिलहाल खाने में बनाया आज गोभी और चिकन, साथ मेरा नान और चटनी नहीं है क्योंकि गोभी और चिकन के साथ नहीं मैं चटनी खाता, मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के साथ चटनी खाता हूँ और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के साथ नहीं खाता, जैसे कुछ शोरबे वाला सालन है ना उसके साथ नहीं मैं चटनी खाता क्योंकि मज़ा नहीं आता। बाकी बात सब आपको मैं खाने के बाद दिखाता हूँ, 7 मिनट का व्लॉग बन गया, हाली गुड्डे का पता नहीं कैसे, बाकी बाद में दिखाता हूँ। फिर ऊपर आए हुए थे और फिर हमने गुड्डा चढ़ाया है, लेकिन मेरा दिल नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बना ही देते हैं, पता नहीं क्यों, वो चेक करो ऊपर कार यार तला क्या कर रहा है, वो चेक करो जी, आज वैसे पूरा व्लॉग ये गुड्डे के आस पास ही घूमा है सारा, गुड्डा उड़ाया तो हमने ये किया है, तला तला उतार लेते हैं कल परसों बसंत ले रखे हैं, वो पागल तू ना उनकी माँ के पास लेके जा उतार, बाकी अब नीचे जाके आपको दिखा थोड़ा देखा दिया आपको, चेक करो बाद में दिखा तू यार, यार अभी फिलहाल हम गए हुए थे तला और वेट चिप्स खाने के लिए, तो हमने ना मतलब मैंने ब्लॉग बनाना नहीं था, लेकिन मैंने कहा आज ना मोटरसाइकिल के ना यार, ये एक तो आईफोन का मसला होता है, तो मैंने कहा है कि ना ये आज ना मैं उल्टा बैठता हूँ, तो आपका भाई बैठा हुआ है फिलहाल उल्टा, और फुल आपके भाई को मजा आ रहा है, नहीं रात ना तेरा मोबाइल मेरे हाथ में, ये बात याद रखी, अपने ये बात यार याद में रखी कि तेरा मोबाइल मेरे पास है, इसलिए तेज ना चलाई, बाकी यार मैंने 0.5 रखा हुआ है, 2 मिनट 1 पे रखूँ, ये आप सही रहेगा ऐसे, बाकी फिलहाल अभी हम सिविल लाइन पे जाने लगे हैं, आपको मैं मिलता हूँ सिविल लाइन पे, पहुँच के वहाँ पे कोई यकीक चोला करता है तब आपको दिखाता हूँ यार। फिलहाल अभी हम पहुँच गए सिविल लाइन के ऊपर, और वो शिट जंप आ गई है, आहिस्ता लगाई फुल आहिस्ता लगाई, तेरा मोबाइल मेरे पास फुल आहिस्ता, वो देखो पीछे लड़का व्हीलिंग करते हुए आ रहा है साइकिल पे, वो देखो व्हीलिंग हो रही है, अभी व्हीलिंग हो रही है, वो चेक करो भाई साहब, वो भी दोबारा भाई व्हील मारेंगे, चेक करना अभी, चेक मारो व्हील मारो, वो चेक करना अभी, वो भाई व्हील मारेंगे, वो चेक करो, ओ भाई साहब ये लड़का दो बार गिर गया, चलो माशाल्लाह अच्छा व्हील आ रहा है, यार कोई वो नहीं आ रहा, रिएक्शन नहीं मिल रहा भाई, मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा, ओए ओए भैन दी श्री तला हाथ ना छुड़ा मैं गिर जाऊंगा, बाकी यार बस अब सिविल लाइन पे तेज ना चला, तेरा मोबाइल मेरे पास है ना, है तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई रिएक्शन इतना हास नहीं मिल रहा, तो बस यार अब आपको मैं घर पहुँच के दिखाऊंगा, घर पहुँच के दिखाता हूँ यार। अभी फिलहाल आ चुके हैं हम, मैं घर आ चुका हूँ, भी मैं शाह की नमाज भी पढ़ने लगा हूँ, और फिलहाल यार इस व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड,
इंशाल्लाह यार मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप फी मान अल्लाह हाफिज़। और कल रात की पसंद भी है, अगर पुलिस वालों ने ना पकड़ा तो व्लॉग बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।